नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज में आपके साथ शिखा सैनी। एक नजर अब तक की खास खबर पर। एनजीटी के आदेश अनुसार खनन पर पूरे से रोक लगी हुई है। वहीं कुछ खनन माफिया पास नहीं आ रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों से खनन के अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कुछ सफेद पोस्ट राजनीति या पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर किसी संस्था या सरकारी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करने के लिए रेत की पर्ची कटवा खनन को अंजाम दे रहे हैं। जिसे बेहट थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष ने ऐसी रेत से भरी हुई कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान काटित कर दी। वही ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों का कहना है कि उसकी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड नहीं थी और रियलिटी पर थी। फिर भी थाना अध्यक्ष ने उनकी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया। वही थाना अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे खनन माफिया की जांच की जा रही है। जो अवैध खनन कर रहे हैं उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेट से हसीन सोनी की रिपोर्ट। जी, क्या पसंद है? अजी मतलब हमारे यहाँ काम बंद पड़ा था बिल्कुल कते ही। अब बड़ी मुश्किल है परमिशन बनवाई। हमने लोग को परमिशन बनवाया क्योंकि काम चल रू चल कर आज हमने ढेर थोड़ा बाहर से यहाँ भूख मरी कते बिल्कुल कभी कोई भी काम नहीं खनन का है हमारे यहाँ की फिलहाल। एक ट्रेली के 20,000 किसने ₹20,000 में तो काफी दिन रोटी खा रहे हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है हमारे पास में एमपी सिंह ने ₹20,000 मांगे हैं और हम आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। ये रात इनकी गाड़ी पकड़ी गई थी, इनसे कहा है कि ₹20,000 दे दीजिए, हम आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।